नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नज़र। लोगों की परेशानियां कम करने के लिए हुई नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। हर भारतीय का होगा एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, घर बैठे डॉक्टर्स को दिखा सकेंगे अपनी रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, IPL मैच खेलते रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा किया। इस मौके पर PM मोदी ने कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और तकनीक के माध्यम से लोगों की परेशानियां कम होंगी। इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, जिसमें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियाँ शामिल होंगी। इस मिशन के जरिए पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था से देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत एक विशेष प्रकार का कार्ड जारी किया जाएगा जो आधार कार्ड की ही तरह होगा। इससे मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जाएगा। यह मिशन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर काम करेगा। इस विशेष ID को आपकी इच्छानुसार आधार कार्ड से लिंक करवाया जा सकेगा, जो एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगा। इसके तहत आपको एक यूनिक ID प्रदान की जाएगी। इससे फायदा यह होगा कि अस्पताल जाने पर आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि इसी ID से आपका काम चल जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आप अस्पताल नहीं जा सकते हैं तो डॉक्टर्स कहीं से भी बैठकर आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकता है। इस योजना में हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टर्स को एक केंद्रीय सर्वर से जोड़ा जाएगा। इसी सर्वर पर व्यक्ति का मेडिकल डाटा भी मौजूद रहेगा। इस योजना में खास तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है, हेल्थ ID, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड, देश भर के निजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन। हालांकि सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए अस्पताल और नागरिकों पर निर्भर करेगा। हाल ही में सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। संन्यास की घोषणा पहले महेंद्र सिंह धोनी और फिर बाद में सुरेश रैना ने किया। हालांकि धोनी अभी IPL मैच खेलते रहेंगे। धोनी टेस्ट मैच से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी वनडे और T20 का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान भी रह चुके हैं। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय करियर की शुरुआत 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ की थी। धोनी ने अब तक 341 एक दिवसीय मैचों में 10,500 रन बनाए थे। धोनी के टेस्ट करियर की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। टेस्ट करियर में धोनी ने 90 मैच खेलकर 4876 रन बनाए, जबकि T20 करियर की शुरुआत उन्होंने 1 दिसंबर 2006 को किया था। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप और 2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच बीते साल 9 से 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। महेंद्र सिंह धोनी पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सेना से लगाव के चलते आर्मी ने उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दिया था। इतना ही नहीं, इन्हें विजडन की सर्वप्रथम ड्रीम टीम में चुना गया था, जबकि सुरेश रैना ने 26 जुलाई 2010 को भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला था। एक दिवसीय करियर की शुरुआत 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध और T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को किया। रैना ने अपने एक दिवसीय करियर में कुल 226 मैच खेलकर 5615 रन बनाए, जबकि 19 टेस्ट मैच खेलकर 768 रन बनाए थे। रैना न सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि उनको बेहतरीन फील्डिंग और स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जाना जाता है। रैना के वनडे सफर में 5 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। रैना का बेस्ट स्कोर नाबाद 116 रन है। आपको बता दें कि रैना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं।
और अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बने ब्रिक्स देशों के कार्य समूह की चौथी बैठक 16 अगस्त को आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना ने किया, जबकि रूस, ब्राजील, चीन भी इस बैठक का हिस्सा थे। इस बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया, ताकि निकट भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लग सके। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका की समस्या का सामना कर रहे यौन कर्मियों, जिसमें HIV, एड्स और ट्रांस पर्सन जैसे कमजोर समूहों द्वारा द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB एंड मलेरिया में याचिका दायर किया गया। HIV एड्स से प्रभावित आबादी की ओर से दायर इस याचिका में भोजन, अक्षय एवं आपातकालीन चिकित्सा जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन आवंटित करने की मांग किया गया। याचिकाकर्ता के लिए गाइडलाइन जारी करें ताकि याची के जरूरतों को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB एंड मलेरिया यानी GFATM एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषक एवं सहयोगात्मक संगठन है। इसका उद्देश्य सतत विकास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए HIV, एड्स, तपेदिक आदि बीमारियों के उन्मूलन पर जोर देना है। इसकी स्थापना साल 2002 में किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग टू ऑनेस्ट नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कर अनुपालन में ढील देना एवं रिफंड में तेजी लाने के साथ साथ ईमानदार करदाताओं को लाभ पहुँचाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई कर सुधार नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्ष 2019 में कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15% कर दिया गया और लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया। गौरतलब है कि पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत यानी OPV लॉन्च किया गया, जिसका नाम सार्थक रखा गया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल द्वारा तैनात 5 OPV में सार्थक चौथे स्थान पर है। इस OPV को मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरण सेंसर से सुसज्जित है। इस जहाज को ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, 4 उच्च गति वाले नावों तथा स्विफ्ट बोर्डिंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज समुद्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए सीमित प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। हाल ही में केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की शुरुआत किया। इसका मुख्य उद्देश्य ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों को सुरक्षित रखना है। इस डेटा रिकवरी सेंटर को हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी NAARM में स्थापित किया गया है। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी IASRI में स्थापित है। कृषि मेघ की स्थापना भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। इसका निर्माण भारत में कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने, गुणवत्ता के लिए किया गया है। यह शोधकर्ताओं, छात्रों एवं नीति निर्माताओं को कृषि एवं अनुसंधान के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराएगा। राष्ट्र परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में कहा कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET विदेशी छात्रों के लिए ऑनलाइन आयोजित नहीं किया जा सकता। NTA ने न्यायालय के समक्ष कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI के नियमों के अनुसार NEET अनिवार्य रूप से सभी उम्मीदवारों के लिए पेपर बुक प्रारूप में होना अनिवार्य है।
आपको बताते चलें कि पश्चिम एशिया में 4000 से अधिक नीट अभ्यर्थियों के माता पिता द्वारा इन देशों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने या फिर परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी दलीलें प्रस्तुत करते समय यह बात कही। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराती है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। श्री चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने 31.54 के औसत से 2084 रन बनाए। इनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। चौहान और गावस्कर की ओपनिंग जोड़ी 1970 के दशक में काफ़ी सफल रही। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 25 दिसंबर 1969 में और आखिरी टेस्ट मैच 13 मार्च 1981 को न्यूजीलैंड के ही खिलाफ खेला था। एक दिवसीय मैचों में चौहान ने 21.85 के औसत से 153 रन बनाए और 46 रन इनका बेस्ट स्कोर था। अपने एक दिवसीय मैच की शुरुआत उन्होंने 1 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के खिलाफ किया था। साल 1991 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने अमरोहा से चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। इसके बाद 1998 में उन्होंने एक बार फिर सत्ता संभाली। आगे चलकर 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल तो वे अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा सीट से विधायक थे। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।